बात करने के लिए। अमित चौबे साहब हैं, करिश्मा के हैं, और दोनों अमित साहब की बात करें तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, करिश्मा बहुत अच्छी एक्टर एक्ट्रेस हैं, और खासतौर से आप तो फिल्म बॉलीवुड से हैं, आपके पिता काफ़ी लंबे समय से उनको मैं जानता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सिंगिंग में कैसे आप आ गए? सिंगिंग का तो एक्चुअली बचपन से ही शौक था, और बचपन से होने के बाद थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी शौक था। मेरे दादाजी भी काफ़ी अच्छे सिंगर थे, मॉम भी गाती हैं, तो एक्चुअली ये ब्लड में ही हमारे ब्लड में ही था। अगर आपके सॉन्ग की बात करें तू है कमाल, तो कितना लगता है कि ये गाना कितना कमाल करने वाला है? मैं तो करिश्मा जी से जानना चाहूँगा। अगर ब्रेक की बात करें बॉलीवुड में, आपको ब्रेक कैसे मिला, कैसे सब आप अजय जी के टच में आए? मैंने किट मॉडलिंग की है, उसके बाद इवन मैंने साउथ के प्रोजेक्ट भी कर रही हूँ, ऑलरेडी मैंने कर चुका है। मैं साथ में मॉडलिंग हमें जी एक बात में जानना चाहूँगा कि जो बॉलीवुड से जुड़े हुए होते हैं उनको कहीं ना कहीं कितना फ़ायदा मिल पाता है उनके बच्चों को, जो बॉलीवुड में उनके मदर फादर जुड़े रहते हैं, आपके फादर जुड़े रहे हैं, लेकिन जुड़ने से नहीं होता, जुड़ने से वो एक बार दो बार मिल जाता है, बट ये डिपेंड करता है टैलेंट पर। अगर टैलेंट है तो सकता है आगे बढ़ सकता है, नहीं तो रिलेशन से या फैमिली उसमें है, इससे क्या होता है एक बार दो बार आपको काम मिलता है, बट लाइफ टाइम फैमिली से कोई स्टार है मुझे लगता है आपको ज़्यादा मिलता है, बट ज़्यादा चलने में टैलेंट होना चाहिए, तो स्ट्रगल नहीं होता है जितना कि एक फ्रेशर को। अगर हम अजय साहब की बात करें, अजय साहब एक कोई ऐसी बात जो हमेशा आपके चैन में रहती है काम करते वक्त, कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, बचपन से ही ये बात काफ़ी अच्छी लगती है उनकी, कि कोई भी वक्त कोई भी काम उसको ऐसे करो और अपना पूरा उसमें 100% दो, तभी आप उसमें सक्सेस होते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बातों की लिस्ट बहुत बढ़ाने में हैरान हो जाएगी। आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से? अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी उसका बारे में हम बता नहीं सकते, उसका नाम बता नहीं सकते, क्योंकि वो सीक्वेंस है, बाद में पाइपलाइन होगा उस हिसाब से। चलिए, आपने साक्षात्कार और सुशील गंगवार से बात की, इसके लिए तहे दिल से